कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। वजह है रविवार को बिहार में एक वर्चुअल रैली जिसे संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसा था। सबसे पहले आप अमित शाह का वो बयान सुनिए। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर आसमान तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक जमाना था कि हमारी सरहदों से कोई भी घुस जाता था, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करता था, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में उफ तक नहीं की जाती थी। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुस कर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। अमित शाह के इसी बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमित शाह पर हमलावर हैं। राहुल ने शायराना अंदाज में अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा है कि सीमा की हकीकत सभी को मालूम है, लेकिन दिल को खुश करने के लिए ये ख्याल अच्छा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शाह यद ये ख्याल अच्छा है। रैली के दौरान शाह ने कहा था कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली है, पूरी दुनिया इस बात से सहमत है कि अमेरिका और इसराइल के बाद अगर कोई अन्य देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है तो वो भारत है। लेकिन अमित शाह का ये बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नागवार गुजरा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।